आप देख पा रहे हैं हमारे प्लेट लग चुके काफ़ी ज़्यादा, देखने में तो टेस्टी लग रहा है। छोटे क्या लग रहा है, आज मज़ा आने वाला है वाकई में। जैसा कि देख पा रहे हैं हमारा सारा चीज़ लग चुका है। भैया बताइए आपको बिरयानी का यहाँ का टेस्ट कैसा लगता है? बिंदास बिंदास। ये बताइए आप कितने सालों से आ रहे हैं यहाँ पे? 21 सालों से। 21 सालों से आ रहे हैं भाई। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। जिसकी दुनिया है दीवानी उसका नाम है इटान बिरयानी। देखा आपने कितना तगड़ा। इस बात पे लाइक बनता है, लाइक जरूर करिएगा। सबको दिखाते रहिए, इटानी बिरयानी खाते रहिए, मजा लेते रहिए। तो आइए और भी चीज़ें आपको दिखाना बाकी है, वीडियो में बने रहिए। आपको दिखाता हूँ बिरयानी यहाँ बनती कैसे और बिगेस्ट किचन जो कि बिरयानी की है। तो चलिए ले चलते हैं आपको किचन के अंदर और दिखाते हैं बिरयानी कैसे बनती है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इटान बिरयानी के ओनर नफीस भैया हमारे साथ हैं। आइए हम इटान बिरयानी जहाँ बनती है वो किचन दिखाते हैं आपको। ये आप किचन देख पा रहे हैं इटान बिरयानी की है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बिरयानी बनती है। इसकी फुल वीडियो मैं आपके लिए बाद में बनाऊँगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हर भगोने में बिरयानी तैयार हो रही है, लेकिन यहाँ का फुल वीडियो मैं आपके लिए बाद में बनाऊंगा। जैसे नफीस भैया मैं बाद में यहाँ की बिरयानी की वीडियो बनाऊंगा, स्पेशल किचन की। मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ, थोड़ा मेरी तरफ दिखाइए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ का किचन बिगेस्ट किचन है, मैं बता दूँ बिरयानी के लिए। बिरयानी हब कहा जाता है इटान बिरयानी, जहाँ पे बिरयानी बनती है। तो यहाँ का आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो पे इस पर 1000 लाइक कर दीजिए। मैं आपके लिए यहाँ का पूरा, जान लीजिए पूरा वीडियो बनाऊँगा, यहाँ बिरयानी बनते हुए और यहाँ का प्रोसेस भी दिखाऊँगा। नफीस भैया अभी वीडियो बनाने देंगे हमें पूरा यहाँ का? तो शौक से नफीस भैया से डन है, तो आप वीडियो पे 1000 लाइक इस पर कर दीजिएगा। तो चलिए इनकी पूरी जो आप बाहर की वीडियो उसको जरूर लाइक करिएगा, यहाँ की किचन की वीडियो मैं आपके लिए जल्द लाऊंगा। मैं बता दूं इलाहाबाद से ही नहीं कि बाहर बाहर के आसपास के पूरे उत्तर प्रदेश से यहाँ पे लोग आते हैं इनकी बिरयानी टेस्ट करने, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बिरयानी है। इनका जो अभी नई ब्रांच खुला है जहाँ इनकी पहले दुकान थी वहाँ से ये शिफ्ट हुए हैं। अभी 2 मंथ हुआ है इनको यहाँ पर आए हुए, जो यहाँ के धोबी घाट के पास ये दैनिक जागरण ऑफिस के बगल और बॉयज़ स्कूल जो है उसके जस्ट सामने ये इटान बिरयानी वाले अभी इनकी दुकान है। तो आप टेस्ट करना चाहते हैं इनकी बिरयानी तो ज़रूर यहाँ पे आएँ। तो आइए आपको इटान बिरयानी के ओनर से मिलाते हैं। सर अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम मोहम्मद नफीस है। अच्छा ये बताइए सर, आपको ये बिरयानी का आइडिया कहाँ से आया कि ऐसी दुकान खोली जाए? असल में हम लोग बिल्कुल बेकार थे, कोई काम था नहीं। अच्छा, तो टाइम पास के लिए होता है भाई, अभी कोई काम नहीं, चलाओ बिरयानी बेचते हैं। अच्छा बिरयानी बेचते हैं। तो हम लोग, ये हमारा छोटा भाई है, अच्छा। मीसम है, गुड्डू है। अच्छा, तो कई लोग मिलकर मतलब स्टार्ट किया? सब परिवार के लोग ही, हम लोगों ने मिलकर चालू किया इसको। अच्छा सर, तो टाइम पास के लिए भी, चलो अभी कोई काम नहीं तो चलो बिरयानी बेचते हैं। सबसे सस्ता काम, अच्छा, कम पूंजी में लगा स्टार्ट वाला काम, अच्छा, बिरयानी था। तो हम लोग बिरयानी बेचने लगे, तो बिरयानी बेचने लग गए। अच्छा, तो कारीगरी भाग गया, घर बना के लेके आने लगे। अच्छा, आप खुद बनाने लगे। ये था, ये जो आप स्टार्ट दुकान किए थे बिरयानी बनाना, आप खुद बनाते थे कि कारीगर रखे थे आप? नहीं, स्टार्टिंग में तो कारीगर रखे थे। अच्छा, बिरयानी बनाना जानते भी नहीं थे। अच्छा, आप जानते भी नहीं? जब वो भाग गया तो उसने सिखा दिया। अच्छा, उसने सिखा दिया, मतलब हालात ने आपको सबको सिखा दिया? हालात ने सबको सिखा दिया, सबको सिखा दिया। वो ना भागता है, ना नाम बिरयानी कारीगर बनते। अच्छा, ना कारीगर, नाम को बिरयानी सीखना। पहले हमने हमारी शॉप वहाँ पे थी, वहाँ पे चूंकि इतना क्राउड हुआ करता था, आपके प्रतापगढ़, जौनपुर, अच्छा, भदोही, बनारस, खागा, फतेहपुर, अरे हम लोग भी आए हुए हैं यहाँ पे, इसीलिए ढूंढने में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन आप मिल गए। तो ये बताइए वहाँ पे ऐसी क्या परेशानी आ गई, मतलब क्राउड ज्यादा होता था इसकी वजह से यहाँ पे आपने खोला? क्राउड को लेके, रास्ता जाम को लेके। अच्छा, बहुत जाम था। अच्छा, और तो उसकी वजह से फिर हमको वहाँ से हटना पड़ गया। हटना पड़ गया ना भैया, आपका मकसद यही है कि हर कोई आपकी बिरयानी टेस्ट कर सके? हम इतना रेंजेबल प्राइस रखते हैं कि हर आदमी के रेंज में है, वो आदमी बहुत आसानी से खा सकता है, यहाँ बिरयानी खा सकता है। जी जी जी। अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। चलिए आपकी बिरयानी टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसे टेस्ट है। आइए आप थोड़ा, तो आइए आपको बिरयानी का थोड़ा दिखाते हैं। ये हाफ है, ये फुल, ये हाफ प्लेट है। इसका प्राइस 70 रुपये है, 70 रुपये है ये। तो आप देख पा रहे हैं नफीस भैया हमारे साथ हैं, तो यहाँ बिरयानी लगवाइए नफीस भैया हमारी। आप बिरयानी दो प्लेट लगा रहे हैं, आप पीस कौन सी खाएंगे? आप अपने मन पसंद पीस खिलाइए, क्योंकि जैसा भी आप खिलाएंगे वैसा आप टेस्ट करेंगे आप। तो दोस्तों मैं बता दूं, ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक करें, और इटान बिरयानी पे आप इलाहाबाद में आएँ तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ की बिरयानी ज़रूर टेस्ट कर सकते हैं।
अभी एक आइटम अभी हम आप लोग खिलाएंगे। अच्छा, वो हमारे कबाब पराठा रेडी हो रहा है। कबाब पराठा रेडी, इलाहाबाद का हिट आइटम है ये हिट आइटम है कबाब पराठा। तो गाइस मैं बता दूं, यहाँ का कबाब पराठा जैसे नफीस भैया बता रहे हैं जो इटान के ओनर हैं, वो कह रहे हैं आपको एक चीज़ और टेस्ट कराएंगे, यहाँ का कबाब पराठा। तो कबाब पराठा जो कि लखनऊ का बहुत ही ज़्यादा फेमस आइटम है, तो भैया इलाहाबाद में उसका टेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, तो चलिए आइए उसको भी टेस्ट करते हैं। तो इसको रखते हैं और दोनों चीज़ को ला के साथ में टेस्ट करते हैं। ये बताइए आपका नाम क्या है? आज़ाद। ये भैया बताइए आप यहाँ पे कितने दिन से काम कर रहे हैं? वैसे मान के लिए 7 साल से काम कर रहे हैं। 7 साल से काम कर रहे हैं, मतलब ये आपकी दुकान वहाँ पे इतनी पुरानी तब भी आप थे। ये बताइए जो कस्टमर यहाँ पे खा के जाते हैं वो उनका रिव्यू क्या रहता है, वो किस लिए यहाँ पे आते हैं ज़्यादातर, आपको क्या लगता है? टेस्ट की वजह से कि क्वांटिटी की वजह से कि सस्ता, इसलिए क्वांटिटी भी सस्ता भी हर आदमी देख के तभी आता है। अच्छा, तीनों चीज़ है आपके पास, तो अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए आपको और लोगों से बात कराते हैं। यहाँ पे एक कस्टमर है भैया, इनसे पूछते हैं इनको यहाँ का टेस्ट कैसा लगता है। ये दुकान कितने साल पुरानी भैया? 17 साल पुरानी। 17 साल पुरानी, आप 21 साल से पहले कैसे आ रहे हैं? 4 साल कानपुर से आ रहा हूँ। अच्छा, तो चलिए आइए और लोगों से बात करते हैं। भैया अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। गाइस आप देख पा रहे हैं इटौन बिरयानी में तो बिरयानी बहुत ज़्यादा फेमस है ही, लेकिन नफीस भैया जो यहाँ के ओनर हैं वो बता रहे थे यहाँ के कबाब पराठे बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसा कि यहाँ पे कबाब को तैयार कर रहे हैं भैया। भैया ये बताइए ये कबाब जो तैयार करते हैं ये किन किन मसालों को थोड़ा यूज़ करते हैं, थोड़ा बताएंगे? इसमें पड़ता है क्या नाम है, पुदीना पड़ता है। अच्छा, और क्या नाम है, धनिया पड़ती है और मटन रहता है। मतलब सारे मसाले को पीस के एक करके बनाया जाता है जी। ये बताइए इसका बनाने का प्रोसेस कितना देर में तैयार हो जाता है लगभग? ये 2 घंटे में। 2 घंटे में तैयार हो जाता है कि जैसा गाइस आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अभी कबाब सिर्फ तैयार हो रहा है, और उस तरफ दिखा दीजिए कैमरामैन, वहाँ पे सेका जा रहा है। मैं आपको पूरा कबाब पराठा बनते हुए भी दिखाऊंगा और टेस्ट करके भी बताऊंगा कि यहाँ का टेस्ट कैसा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं भैया यहाँ कबाब पराठा तैयार कर रहे हैं, जो कि भैया पराठा बना रहे हैं। भैया बताइए जो पराठा बना रहे हैं ये कितने सालों से बना रहे हैं आप? कम से कम भाई लगभग 10-11 साल हो रहे हैं। 10-11 साल से हो गए हैं। ये बताइए आप सबसे पहले ये पराठा बनाना कहाँ सीखे थे? भाई ये हम सीखे थे वहाँ लखनऊ में, टुंडे कबाबी के यहाँ। तो जो कि आप देख पा रहे हैं जो कि इटौन बिरयानी की दुकान पे जो कबाब पराठा बनाते हैं, टुंडे कबाबी का नाम आपने सुना होगा, जो कि कबाब पराठा में सबसे ज़्यादा मशहूर है। भैया उनके यहाँ काम करते थे और वहाँ से भैया यहाँ पे आए हुए हैं जो कि अब इटौन बिरयानी में पराठा तैयार करते हैं। भैया बताइए जो पराठा आप यहाँ पे तैयार कर रहे हैं कितने सालों से यहाँ पे हैं आप? 11 साल से? हाँ 11 साल से आप यहीं पर हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो यहाँ कबाब पराठा तैयार किया जा रहा है ये टुंडे कबाबी के जैसे ही एकदम सेम आपको टेस्ट देगा, जो कि अब इटौन बिरयानी में बहुत ज़्यादा फेमस है। आप कबाब देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज में कबाब दिख भी रहा, क्वांटिटी भी ज़्यादा है इसकी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ के पे कबाब पराठा खाना पसंद करते हैं। तो आइए कुछ लोगों से पूछते हैं इनको कबाब पराठा कैसे लगता है। मैम ये बताइए आप यहाँ पे क्या टेस्ट करने आई हैं? कबाब पराठा। ये बताइए आप कबाब पराठा यहाँ का टेस्ट कैसा लगता है? बहुत टेस्टी, बहुत ही उम्दा। बहुत ज़्यादा उम्दा लगता है इसे आपको? घर की तरह लगता है। आपको रेटिंग देना हो तो आप इसको कितना देंगी? 10 out of 10 में? 9 देंगे आप। लगभग कितने सालों से आप इसको टेस्ट कर रहे हैं? 2 साल से। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ का जो कबाब पराठे बन रहे हैं, मैं बता दूँ टुंडे कबाबी जो लखनऊ के सबसे ज़्यादा फेमस हैं कबाब पराठा में, उनके जैसा टेस्ट उनके जैसा ही पूरे यहाँ पे जो कारीगर हैं वहीं से सब आए भी हुए हैं यहाँ पे बनाने के लिए स्पेशल कबाब पराठा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं भैया जो कबाब पराठा बना रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं और बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, और यहाँ पे जो कबाब पराठा बन रहा है उमदा प्रिपरेशन है छोटे, मैं बताऊँ काफ़ी ज़्यादा उमदा। देख पा रहे हैं जो वहाँ पराठे रखे हुए काफ़ी ज़्यादा देखने में अच्छा लग रहा है, ये आपको दिखाते हैं थोड़ा। जैसा कि गाइस आप ये पराठा देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी और ज़्यादा देखिए आप बिग साइज में पराठा है, जो कि इसकी कीमत मात्र 20 रुपये है। पराठा है काफ़ी ज़्यादा देखने में क्रिस्पी है। इटौन में जो स्पेशल कबाब पराठे बनते हैं मैं बताऊं बहुत ज़्यादा लजीज तरीके से इसे बनाया जाता है। तो आइए भैया से पूछते हैं इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं। भैया ये बताइए जो पराठा तैयार होता है ये कैसे तैयार होता है, थोड़ा बताइए जी। मैदे में हमने ये हम लोग दूध मिलाते हैं। अच्छा, और ये अमूल गोल्ड का आप दूध मिलाते हैं, मतलब जो ये कबाब पराठे का प्रिपरेशन तैयार होता है जिसे साना जाता है पूरे दूध में साना जाता है? हाँ, पूरा दूध में साना। और इसमें क्या क्या मिलाया जाता है? इसमें चीनी भी मिलाया जाता है। अच्छा, सूजी मिलाया जाता है। उसके बाद में हम लोग घी भी मिलाते हैं। मतलब काफ़ी हाइजीन तरीके से बनाया जाता है और काफ़ी ज़्यादा लजीज रहता है खाने में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और आप देख पा रहे हैं जितने लोग भी यहाँ पे सेफ हैं जो बना रहे हैं काफ़ी ज़्यादा मास्क पहने हुए हैं, सारी टोपी लगाए हुए हैं, ग्लव्स हाथ में रहते हैं। अभी बना रहे हैं तो ग्लव्स हाथ में नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे बिरयानी पैक कर रहे हैं उनके हाथों में ग्लव्स है। काफ़ी ज़्यादा हाइजीन का भी ध्यान रखा जाता है।
देखो इधर देखो घर के हैं यहाँ के लिए। अच्छा डालेंगे लागे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे कबाब पराठा की प्लेट तैयार हो रही है। अब भैया इसमें प्याज डाल चुके हैं, ग्रीन वाली चटनी डाल चुके हैं और इसमें कबाब लगा चुके हैं। अब हमारा पराठा लगने वाला है। यहाँ पे भैया देख पा रहे हैं क्रिस्पी पराठे हमारे प्लेट में रखने वाले हैं। भैया एक प्लेट कबाब पराठा की कीमत कितनी है? 60 रुपये। 40 रुपये का कबाब है। अच्छा और 20 रुपये का पराठा है। 20 रुपये का पराठा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो एक प्लेट है ये हम लोग की प्लेट तैयार हो चुकी है मात्र 60 रुपये में। 40 रुपये में कबाब है और 20 रुपये का एक पराठा है। तो देख पा रहे हैं प्रिपरेशन हो रही है और तैयार हो रहा है और यहाँ पे बिरयानी पैक किया जा रहा है जो कि पैकिंग बहुत ही ज़्यादा होता है। भी इसमें क्या थोड़ा दिखाइए खोल के। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें चिकन बिरयानी है जो कि मैं बताऊँ पूरे ज़्यादातर यूपी के लोग आते हैं यहाँ पे बिरयानी टेस्ट करने इटौन में। भैया चलाइए थोड़ा सा एक बार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी चला रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ जो पीस मिलती है काफ़ी ज़्यादा आपके मनपसंद का मिलता है और काफ़ी ज़्यादा बिग साइज़ में पीस रहता है जो कि इसकी क्वांटिटी 70 रुपये में है। आप देख पाते हैं हाफ 70 रुपये में और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में देते भी हैं। भैया ये बताइए भैया जो यहाँ की बिरयानी कितने बजे से कितने बजे तक ओपन रहता है ये शॉप? ये सर रहता है 11 से 11:30 तक रहता है। मतलब सुबह 11 बजे ऑन हो जाता है और रात में 11 बजे तक चालू रहती है। ये बताइए यहाँ पर बिरयानी ख़त्म होने के बाद भी बहुत सारे कस्टमर आते होंगे? पराठा देते हैं। अच्छा जो रहता है वो देते हैं आप लेकिन कस्टमर आने का ताता खत्म नहीं होता, आते ही रहते हैं। कस्टमर आते रहते हैं 12 बजे तक आते रहते हैं। मैं बता दूं गाइस इतना ज़्यादा फेमस है यहाँ पे रात में 1-1 बजे तक लोग आते हैं बिरयानी टेस्ट करने। तो जैसा आप इटौन बिरयानी के मेन्यू देख पा रहे हैं तो बिरयानी जो है इनकी फुल प्लेट 120 रुपये में, हाफ प्लेट 70 रुपये में। कबाब इनका जो कि स्पेशल कबाब बनाते हैं जैसे कि नफीस भैया से हमने बात भी किया कबाब की तारीफ बहुत ज़्यादा कर रहे थे, मात्र 40 रुपये में और पराठा 20 रुपये में। जैसा कि आप इनका मेन्यू देख पा रहे हैं काफ़ी सस्ती चीज़ें हैं और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी रहती हैं। मैं बता दूं इलाहाबाद से ही नहीं कि बाहर बाहर के आसपास के पूरे उत्तर प्रदेश से यहाँ पे लोग आते हैं इनकी बिरयानी टेस्ट करने और बहुत ज़्यादा टेस्टी बिरयानी है। इनका जो अभी नई ब्रांच खुला है जहाँ इनकी पहले दुकान थी वहाँ से ये शिफ्ट हुए हैं। अभी 2 मंथ हुआ है इनको यहाँ पर आए हुए, जो यहाँ के धोबी घाट के पास ये दैनिक जागरण ऑफिस के बगल और बॉयज़ स्कूल जो है उसके जस्ट सामने ये इटौन बिरयानी वाले अभी इनकी दुकान है। तो आप टेस्ट करना चाहते हैं इनकी बिरयानी तो ज़रूर यहाँ पे आएँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ बिरयानी टेस्ट कर रहे हैं तो आइए इनसे पूछते हैं यहाँ की बिरयानी कैसे लगती है। मैम पहले आप बताइए आपको बिरयानी कैसे टेस्ट लग रही है? अच्छी है। हिंदी नहीं आते हैं। अच्छा हिंदी नहीं आती, कहाँ से आए आप लोग? केरला। केरला से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इतना दूर दूर से आते हैं, यूपी छोड़ के आप बाहर बाहर से भी आते हैं, ये लोग केरला से आए हैं इसलिए हिंदी नहीं बोल पा रहे। टेस्ट अच्छा लग रहा है? अच्छा अच्छा है। ये बताइए आप तो हिंदी बोल लेते हैं। हाँ बोलते हैं। ये बताइए आपको कबाब पराठा का टेस्ट कैसा लग रहा है? पराठा ठीक है, अभी मैं पहली बार टेस्ट कर रहा हूँ इसका। अच्छा सही है, काफ़ी अच्छा टेस्ट है, मिर्ची भी सही है, सब कुछ सही है। अच्छा बिरयानी आपने टेस्ट किया? नहीं किया अभी करना है। अभी करना है। एक बाइट लेके बताइए कैसा लग रहा है टेस्ट थोड़ा। तो इनसे बिरयानी टेस्ट करवाते हैं जो कि भैया केरला से आए हैं, तो ये बताएंगे टेस्ट कैसा है बिरयानी का? सही है, टेस्ट अच्छा है। आपने अधिकतर जगह बिरयानी खाई होगी, आप केरला में बिरयानी खाए होंगे, बताइए वहाँ से टेस्ट कैसा लगा? केरला में गया, दिल्ली में गया, हैदराबाद बिरयानी गया, सब कुछ। हैदराबाद बिरयानी खाया आपने, टेस्ट ऐसा कैसा लगा यहाँ का? सही है, बस ज़्यादा मिर्चा नहीं है, सब सही है। काफ़ी ज़्यादा अच्छे चीज़ डाले गए हैं इसमें, जिसमें मसाले डाले गए। नफीस भैया जो यहाँ के ओनर वो बताते हैं ये पेट में जाने के बाद दिक्कत भी नहीं देता। ये बताइए आप उसको रेटिंग देनी हो 10 में आप कितना नंबर देंगे इसे? 10 में 9 दे देंगे। 9 दे देंगे आप। पूरा ये बताइए यहाँ पे आप इटौन बिरयानी पे आए हैं, कहाँ से देख के आए हैं आप? बस सुन क्या बस ऐसे देखा था, रोड में जा रहा था उस टाइम। अच्छा। देखा था बहुत, मतलब बीच में भीड़ रहती इसीलिए आप आ गए। एक बार टेस्ट करने। अच्छा टेस्ट करने के लिए आप आए हैं। तो जैसा कि मैं बता दूं यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ की बिरयानी टेस्ट करने यूट्यूब पे वीडियो देख के, आप भी शायद यूट्यूब पे इनकी वीडियो देखे होंगे। तो ये लोग केरला से आए थे और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिव्यू दिया जो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बिरयानी है। तो चलिए और लोग को भी दिखाते हैं आपको। भैया ये बताइए आप जो बिरयानी टेस्ट कर रहे हैं आपको कैसा टेस्ट लग रहा है? बहुत सही है, हम तो लखनऊ से खाने ही आए हुए। लखनऊ से आप आए हैं स्पेशली इस बिरयानी को टेस्ट करने? हाँ जी। ये बताइए आपको रेटिंग देनी है उसे कितना देंगे आप? 10 में से 10 में से 8.5। 8.5 देंगे आप? हाँ जी। भैया ये बताइए आपको रेटिंग देनी है उस बिरयानी को कितना देंगे आप? 8 देंगे आप। ये बताइए आप लखनऊ से आए हुए हैं इस बिरयानी को टेस्ट करने के बाद आपको क्या लग रहा है कि मज़ा आ रहा है? हाँ जी सही, मज़ा आ रहा है ना, नाम सुना था वैसा है। तो आइए और लोगों से पूछते हैं। बताइए सर आपको यहाँ का टेस्ट कैसा लगता है? मैं एक्चुअली 2014 से आता हूँ। 2014 से आ रहे हैं आप? जब भी आता हूँ
तो हम तो एक सर्च करते हैं कहाँ है, पहले तो आपका यहाँ पे था, यहाँ पे पुराना जहाँ पे था, पुराना जहाँ पे मतलब सिविल लाइन में था। हाँ, पुराने सिविल लाइन से फिर यहाँ पे जब आया। अच्छा, तो मेरे ख्याल से पहला कस्टमर मैं ही था यार। आप पहले कस्टमर थे। नफीस भैया ने जैसे बताया कि ये हमारे सबसे पुराने कस्टमर है, आप इनसे जाके जरूर रिव्यू लीजिए कि इनको कैसा लगता है टेस्ट। इटावन बिरयानी का टेस्ट कहीं और हमें नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता, चाहे मैं महाराष्ट्र में गया हूँ, गुजरात गया हूँ, या मध्य प्रदेश गया हूँ, या दूसरे स्टेट गया हूँ, इसके साथ टेस्ट मुझे कहीं और नहीं मिला। मतलब आपको कहीं ऐसा टेस्ट मिला ही नहीं जो इटावन बिरयानी में है। ये बताइए, आपको यहाँ पे बिरयानी ज़्यादा अच्छा लगता है कि कबाब पराठा? मैं कबाब पराठा दोनों अच्छा लगता है, दोनों अच्छा लगता है। आइए मैम से पूछते हैं, मैम कह रही हैं कि यहाँ पे दोनों अच्छा लगता है, तो ये बताइए मैम, अभी तो आप कबाब पराठा यहाँ पे टेस्ट कर रही हैं, तो आपको ज़्यादा कबाब पराठा अच्छा लगता है कि बिरयानी? दोनों अच्छा लगता है, दोनों अच्छा लगता है, हमारे लिए फेवरेट है, फेवरेट है आपको बिरयानी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुराने कस्टमर आते हैं और यहाँ पे बिरयानी टेस्ट कर रहे हैं, जो कि सर्च करके आते हैं, सर्च करके आ रहे हैं आप। पिछले बार भी आए थे, हम भूल गए थे वहाँ पे। अच्छा, मतलब इसके चार, मतलब हमारा यहाँ पे फोर टाइम है। अच्छा, तो पहले आया तो किसी ने बताया था यहाँ पे, हम गली से भटक गए थे। अच्छा, गली से भटक गए थे। दूसरी बार अभी नहीं, मैप लगा के यहाँ पे आए। मतलब आपको यहाँ का टेस्ट अच्छा लगता है, ऐसा टेस्ट आपको कहीं मिला नहीं? कहीं मिला। अच्छा, आपको भी कहीं ऐसा टेस्ट नहीं मिला? एक्चुअली आप हर जगह की बिरयानी टेस्ट करके देखिए। हाँ, इटौन की बिरयानी टेस्ट के साथ साथ इनका रखरखाव और साफ सफाई, साफ सफाई बहुत, और काफ़ी हाइजीनिक तरीके से इसे बनाते भी। बिल्कुल। तो जैसा गाइस आपने देखा, काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे यहाँ पे लोग तारीफ़ करते हैं यहाँ के टेस्टी चीज़ों के लिए। मैं बता दूँ, यहाँ पे बिरयानी और कबाब पराठा सिर्फ दो ही चीज़ मिलता है, लेकिन दोनों चीज़ उमदा है। तो भैया ये बताइए, आप जो ये बिरयानी टेस्ट कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है टेस्ट? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया टेस्ट लग रहा है। भैया कितने दिन से आ रहे हैं आप खाते हुए यहाँ पे? हम तो बहुत करीब 4-5 साल से, 4-5 साल से, जब मतलब पुरानी दुकान वहाँ पे थी तब से भी खाते आ रहे हैं आप। तो आपको रेटिंग देनी, उससे 10 में से आप कितना देंगे इसे रेटिंग? 10 में से 10 देंगे आप। मैम आप कितना देंगे इसे रेटिंग? 10 में से 10 देंगे। तो आइए एक लोग से और पूछते हैं, यहाँ पे अंकल जी खा रहे हैं, तो आइए अंकल जी से पूछते हैं, इनको टेस्ट कैसा लगता है? अंकल जी बताइए, आप जो बिरयानी टेस्ट कर रहे हैं, आपको टेस्ट कैसा लग रहा है? ये नंबर एक का है। अच्छा, ये बताइए आपको ये प्राइस के हिसाब से और क्वांटिटी के हिसाब से कैसा लगता है? सबसे बेटर है। अच्छा, बेटर है। आप कितने सालों से यहाँ पे खाते आ रहे हैं बिरयानी? 2 साल। 2 सालों से टेस्ट वैसे ही है 2 सालों से, कि कुछ बदला हुआ है? उससे भी बेटर हो गया है, उसके बेटर है मतलब उसके। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं। तो चलिए अपनी बिरयानी भी लेकर आते हैं और टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा है इसका टेस्ट। तो वीडियो लाइक करना यार, लाइक करते रहो। तो आइए यहाँ पे भैया लोग बिरयानी टेस्ट कर रहे हैं, तो इनसे पूछते हैं इनको टेस्ट कैसा लगता है। भैया ये बताइए, आपको बिरयानी कैसा लग रहा है यहाँ पे? भैया अच्छा टेस्ट है, बहुत अच्छा टेस्ट है। भैया ये बताइए, आप लोग ये बिरयानी टेस्ट करने कहाँ से आए हैं? कुंडा से। कुंडा से आए हैं, कुंडा प्रतापगढ़ से। हाँ, ये बताइए आपको इसको रेटिंग देनी हो 10 आउट में 10 कितना देंगे आप इसे? 10 आउट ऑफ 11 देंगे। मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी बिरयानी। भैया बताइए, आपको बिरयानी कैसा लग रही है? 12 साल बढ़िया है, बढ़िया। परमानेंट आते हैं भैया हम लोग, परमानेंट आते हैं आप लोग। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कितने दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ की बिरयानी टेस्ट करने। स्कूल बंक मार के आते थे बिरयानी। अच्छा, स्कूल के गैप करके आप आते थे यहाँ बिरयानी टेस्ट करने? बंक मार देते। अच्छा अच्छा, ये बताइए आप इतने सालों से इसको बिरयानी को टेस्ट कर रहे हैं, सेम टेस्ट लग रहा है कि कुछ परिवर्तन आया है? नहीं नहीं, वही टेस्ट है, पूरा टेस्ट वही है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छे रिव्यू भी आ रहे हैं कि यहाँ बिरयानी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो आइए कान लोग से और पूछते हैं। तो जैसा आप इटावन बिरयानी के मेन्यू देख पा रहे हैं, तो बिरयानी जो है इनकी फुल प्लेट 120 रुपये में, हाफ प्लेट 70 रुपये में, कबाब इनका जो कि स्पेशल कबाब बनाते हैं, जैसे कि नफीस भैया से हमने बात भी किया, उन कबाब की तारीफ बहुत ज़्यादा कर रहे थे, मात्र 40 रुपये में, और पराठा 20 रुपये में। जैसा कि आप इनका मेन्यू देख पा रहे हैं, काफ़ी सस्ती चीज़ें हैं और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी रहती हैं। गाइस आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारे कबाब पराठा लग चुके हैं और भैया यहाँ पे बिरयानी भी लगा दी है, सर्व कर चुके हैं। भैया देखिए क्वांटिटी देखिए आप, 70 रुपये में कितनी ज़्यादा क्वांटिटी है, और यहाँ पे रायता और प्याज दिया जाता है। आप देख पा रहे हैं हमारे प्लेट लग चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा देखने में तो टेस्टी लग रहा है। छोटे क्या लग रहा है, आज मज़ा आने वाला है वाकई में। जैसा कि देख पा रहे हैं हमारा सारा चीज़ लग चुका है। तो ये बताइए भैया, आप यहाँ पे इतने दिन काम कर रहे हैं, ऐसा पकड़ने का तरीका आपने कैसे सीखा? प्लेट है, फंस जाती है हाथ में, आ जाती है। अच्छा, लोग के साथ में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ रहती है, रस रहता है, इसकी वजह से आप ऐसे सबको ले जाके देते हैं, सर्व करते हैं जी। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, इनका अनुभव अलग ही है, ऐसा कोई पकड़ नहीं सकता। आप देख पा रहे हैं इतनी ज़्यादा प्लेट ये पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ टेस्ट करने आते हैं। तो आइए अंकल से जी पूछते हैं, यहाँ पे क्या टेस्ट करने हैं? अंकल जी बताइए, आप बिरयानी टेस्ट करने आए? बहुत अच्छा है, अच्छा टेस्ट लगता है आपको? बहुत अच्छा। ये बताइए कबाब पराठा अच्छा लगता है आपको कि यहाँ की बिरयानी?
अभी तो हम बिरयानी ही खाए हैं। अच्छा, कबाब पराठा आपने टेस्ट किया है? 70 किलोमीटर दूर से आते हैं बिरयानी खाने के लिए। कहाँ से आए आप? मिर्जापुरा। अच्छा, मिर्जापुरा, तो वहाँ से आप यहाँ बिरयानी टेस्ट करने आपने सुनते हुए आए हैं कि यहाँ पे आपने टेस्ट किया था? कई बार खाया है, कई बार खाया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट लगता है। तो आइए, यहाँ पे देख पा रहे हैं कितने दूर दूर से लोग चले आते हैं बिरयानी टेस्ट करने। तो आइए, अपना चलते हैं, यहाँ बिरयानी और कबाब पराठा दोनों लग चुका है, चलिए टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा टेस्ट। मतलब पुराने कस्टमर हैं, यहाँ के जो वर्कर्स हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ की बिरयानी टेस्ट करने बहुत दिन से आ रहे हैं। तो गाइस, आज हम लोग आपके लिए वीडियो बना रहे हैं इटौन बिरयानी की। आप देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा फेमस है। आप सब भीड़ देखिए, रस देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है। हर तरफ आप देखते आइए, भीड़ ही भीड़ आपको दिखेगी। और इतना ज़्यादा बड़ा प्लेस है, मैं बताऊँ, अभी हम लोग तो सुबह आए हैं, अभी कुछ देर बाद आते, लगभग 1 या 2 बजे, इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे, मिलता नहीं कुछ। तो चलिए टेस्ट करते हैं अपनी बिरयानी कबाब पराठा। देख पा रहे हैं ये जो बिल्ली टहल रही है, इटौन बिरयानी के ओनर की बहुत फेवरेट है, और इस बिल्ली को यहाँ पे टहलने दिया जाता है। उनके घर में ऐसी बिल्लियाँ कई हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा बिल्ली से लगाव है, पसंद है। और यहाँ जैसा कि गाइस आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारी बिरयानी और कबाब पराठे की प्लेट तैयार है। तो चलिए, इटौन की बिरयानी और कबाब पराठा जो कि स्पेशल टुंडे कबाबी जैसे बनाते हैं, और नफीस भैया का दावा है, जो यहाँ के ओनर है, कहते हैं कि ऐसा ही कबाब पराठा आपको इटौन बिरयानी में भी मिलेगा। तो चलिए, यहाँ की स्पेशल बिरयानी और कबाब पराठा का टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसा टेस्ट। सबसे पहले मैं यहाँ का कबाब पराठा टेस्ट करूँगा। इसकी नफीस भैया जो यहाँ के ओनर है बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे। तो जैसा मैंने आपको पराठा दिखाया कि काफ़ी ज़्यादा बिग साइज़ है यहाँ का पराठा, में अधिकतर जगह से आप देखेंगे कि जल जाता है, लेकिन यहाँ का जो पराठा बनाया गया है, इसे अमूल दूध और सूजी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाल के बनाया गया है, जिससे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट रहता है। तो चलिए, यहाँ का कबाब पराठा टेस्ट करते हैं। और जो आप कबाब देख ही रहे हैं, यहाँ पे तैयार है और काफ़ी ज़्यादा लजीज है। इस कबाब में जान लीजिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिलाई जाती हैं, उसके बाद जाके आप दिखाता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ इसकी क्वालिटी दिखाता हूँ। देखिए कितना नरम है, आप देखिए रेसा रेसा अलग हो जा रहा है यहाँ कबाब की जो क्वालिटी है। मैंने जैसे बताया कि ये पराठे में अमूल गोल्ड का दूध और सारी चीज़ों को मिला के साना जाता है। मैं बताऊँ, अधिकतर जगह आप कबाब पराठा खाए होंगे, लेकिन दूध में किसी मैदे को नहीं सान के पराठा बनाया जाता है, लेकिन यहाँ का जो पराठा बनाया जाता है स्पेशल। तो चलिए टेस्ट करते हैं, एक बाइट लेते हैं और देखते हैं कैसा टेस्ट। थोड़ी धनिया की चटनी लगाते हैं, टेस्ट करते हैं। बड़े मजा आ रहा है वाकई में। छोटे मैं टेस्ट की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा उमदा है, मुँह में जाने के बाद एक एक बाइट समझ में आ रहा है। और मैं बताऊँ, कबाब की खासियत होती है कबाब मुँह में जाने के बाद घुलता है, और यहाँ का जो कबाब है वाकई में मुंह में जाने के बाद घुल जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट कर रहा है। वह छोटे मैं कबाब काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है दोस्तों। मैं बताऊं, आप इटौन बिरयानी में आते हैं, यहाँ की बिरयानी तो फेमस है क्योंकि पूरे यूपी के लोग यहाँ पे आके बिरयानी टेस्ट करते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप इटौन बिरयानी में आते हैं तो कबाब पराठा जरूर टेस्ट करिएगा। हर जगह से कबाब और पराठा दोनों जो बनाए जाते हैं अलग तरीके से, और टेस्ट तो लाजवाब है, टेस्ट की तो आप क्या बात करें। तो चलिए, यहाँ की बिरयानी टेस्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये इटौन की बिरयानी है जो कि मैं बताऊं पूरे यूपी में क्या अपने भारत देश में बहुत ज़्यादा फेमस है। इटौन आप सर्च करेंगे, आप किसी से पूछेंगे भी तो इटौन को आपको ज़रूर कोई ना कोई रिकमेंड करेगा, क्योंकि यहाँ की बिरयानी लगभग 10 या 20 सालों से ये दुकान चलती चली आ रही है, और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे आके यहाँ की बिरयानी टेस्ट करते हैं। तो चलिए, हम लोग भी आज बिरयानी टेस्ट करने आ चुके हैं, इटौन की फेमस बिरयानी, तो चलिए टेस्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ की क्वांटिटी की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा है, मात्र 70 रुपये में क्वांटिटी आप देखिए। और जो इसमें पीस दिए जाते हैं काफ़ी चुनिंदा पीस होते हैं, देखिए इसमें पीस की भी क्वांटिटी बड़ी होती है। तो चलिए, बाइट लेते हैं और देखते हैं यहाँ की बिरयानी कैसे है। तो पहले मैं थोड़ा राइस टेस्ट करता हूँ। मज़ा आ रहा है, मैं बताऊं, थोड़ा मैं इस बिरयानी के बारे में आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। जो बिरयानी होती है, जैसे नफीस भैया ने बताया कि बहुत तरह की बिरयानी होती है, एक दम बिरयानी होती है, एक हैदराबादी बिरयानी होती है, बहुत तरीके से लोग बिरयानी को बनाते भी हैं, लेकिन जो यहाँ की बिरयानी बनाई गई है इसमें चुनिंदा मसाले डाले गए हैं, जो वो मसाले बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और वो पेट में जाने के बाद नुकसान भी नहीं पहुँचाते। इस मसाले में यही खासियत है, नफीस भैया ये हमें बता रहे थे कि जो हम लोग मसाले यूज करते हैं वो बहुत ज़्यादा उच्च क्वालिटी के होते हैं और स्पेशल ये मसाले बनवाते हैं, जिसकी वजह से ये बिरयानी का टेस्ट ना बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो चलिए, यहाँ का चिकन टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसा इसका टेस्ट। मैंने जैसे क्वांटिटी की बात की, 70 रुपये में आप देख पा रहे हैं आपको एक अच्छी पीस दी जाती है। तो चलिए टेस्ट करते हैं। वाह छोटे, मज़ा आ रहा है बड़े।
बहुत ज़्यादा उमदा, बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा लाजवाब टेस्ट है। मैंने जैसे दोस्तों आप मेरी वीडियो देखते हैं तो मैंने आपको बताता रहता हूँ कि जो चिकन और मटन की क्वालिटी होती है देखिए आराम से रेसे रेसे अलग हो जाएंगे, इतना अच्छा पका हुआ है, ऐसे दम लगा के बिरयानी को पकाया गया है। मैं बताऊँ टेस्ट की क्या बात करूँ, टेस्ट तो बहुत अच्छा है, आप जैसे जानते होंगे इसके बारे में सुना भी होगा, यहाँ बहुत ज़्यादा बिरयानी फेमस है। तो चलिए एक बाइट और लेते हैं चिकन के साथ, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है छोटे, वाह गाइस। मैं बता दूं आप मुझे देख रहे हैं, आप यहाँ तक वीडियो देखते चले आए हैं, तो मैं बताऊं कि यहाँ की बिरयानी खाना पैसा वसूल है, मात्र 70 रुपये में इतनी ज़्यादा लाजवाब और टेस्टी बिरयानी कोई दे ही नहीं सकता, सिर्फ ये कारनामा इटौन वाले ही कर सकते हैं। जैसे कि नफीस भैया जो यहाँ के ओनर हैं उन्होंने बताया कि हम इतने ज़्यादा बड़े साइज में बनाते हैं कि हमारा जो लागत है वो निकल जाता है कहीं ना कहीं, लेकिन आप छोटे क्वान्टिटी में बनाएंगे तो आप पैसा वसूल ही नहीं कर पाएंगे, इतना ज़्यादा क्वान्टिटी देते हैं और कितना ज़्यादा टेस्टी रहता है। मैं टेस्ट की बात करूँ टेस्ट नंबर वन है, आप ज़रूर इटौन बिरयानी में आएँ तो यहाँ की बिरयानी टेस्ट कर सकते हैं। और कबाब पराठा मैं बताऊँ, ये जो पराठा था ना स्पेशल दूध में साना जाता है वो भी अमूल गोल्ड का, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। मैं पराठे की बात करूँ तो पराठा बहुत ज़्यादा अच्छा था, कबाब इनका बहुत ज़्यादा अच्छा था, आप देख पा रहे हैं एकदम मुँह में जाते ही धमाका कर रहा है, गल जाता है। और बिरयानी मैं बताऊँ ऐसी बिरयानी मैंने टेस्ट ही नहीं किया, मैंने अभी जब जहाँ तक भी वीडियो बनाई है ऐसी बिरयानी कभी खाया नहीं है। मैं यहाँ की बिरयानी एक दो बार और भी खा चुका हूँ लेकिन टेस्ट वही है, 3 साल पहले खाया था वैसा ही टेस्ट था, आज यहाँ वीडियो बनाने आया हूँ आप जैसा कि देख पा रहे हैं इटौन बिरयानी टेस्ट वैसा ही है और लाजवाब टेस्ट है। मैं टेस्ट की बात करूँ तो बहुत अच्छा है, आप यहाँ पर आना चाहते हैं यहाँ का पता मैं थोड़ा बता देता हूँ, दैनिक जागरण ऑफिस के जस्ट बगल ये जो इटौन बिरयानी की शॉप है, और आप देख पा रहे हैं बॉयज़ स्कूल जस्ट आपके सामने है, हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं बॉयज़ स्कूल है उसके जस्ट सामने, आप थोड़ा कैमरामैन दिखा दीजिए, इटौन बिरयानी यहाँ पे है, आप आते हैं यहाँ पे ज़रूर बिरयानी टेस्ट करें, और यहाँ की बिरयानी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब होती है। मैं बताऊँ यहाँ की बिरयानी लाजवाब होती है, तो हम चलते हैं हम लोग अब टेस्ट करते हैं यहाँ की बिरयानी, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, छोटे तुझसे रहा जा रहा है नहीं बड़े, अब चलिए टेस्ट करते हैं, सबको ख़त्म करते हैं, आपको दिखाता हूँ बिरयानी यहाँ बनती कैसे और बिगेस्ट किचन जो कि बिरयानी की है, तो चलिए ले चलते हैं आपको किचन के अंदर और दिखाते हैं बिरयानी कैसे बनती है, तो चलिए वीडियो में बने रहिए। हेलो दोस्तों, प्रतापगढ़ जाकर सफर में आज हम लोग आप पहुँचे हैं प्रयागराज, जो कि प्रयागराज की सबसे फेमस चीज़ होती है बिरयानी, जो कि इटौन बिरयानी के नाम से फेमस है। तो इटौन बिरयानी के ओनर भैया हमारे साथ खड़े हैं, ये बताइए भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद नफीस है। अच्छा ये बताइए जी नफीस, नफीस भैया ये बताइए जो आपकी इटौन बिरयानी है इसका पता क्या है? हम लोग ने काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर इसका पता ढूंढ रहे थे, सभी लोग बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन पता नहीं मिला था, पता बता दीजिए एक बार हमारे दर्शकों को। पता ये बॉयज स्कूल है। अच्छा ये हमारे बगल में ये दैनिक जागरण ऑफिस है, जैसा गाइस आप देख पा रहे हैं दैनिक जागरण ऑफिस जस्ट बगल है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये बॉयज स्कूल है, ये बॉयज स्कूल है। तो कैमरा मैन आप दिखा दीजिए, तो ये बताइए जो ये लोकेशन है इसका पूरा एड्रेस एक बार बताइए हमारे व्यूअर्स को। इसका पूरा एड्रेस तो ये है कि अगर आप आओगे तो सिलाई में ये धोबी घाट है। अच्छा धोबी घाट के जस्ट बगल ही है, जस्ट बगल में दैनिक जागरण है। हाँ। और दैनिक जागरण के जस्ट अपोजिट अच्छा बॉयज स्कूल है, तो जैसे है, अच्छा सामने ही है। तो जैसा गाइस आप देख पा रहे हैं दैनिक जागरण ऑफिस वहाँ पे है और बॉयज स्कूल वहाँ पे है, उसी के जस्ट सामने इटौन बिरयानी, कैमरा मैन थोड़ा इधर दिखाइए, इटौन बिरयानी जस्ट इसी के बीच में है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो नफीस भैया ये बताइए जो बिरयानी यहाँ शॉप आपने डाला है ये अभी कितने मंथ हुए हैं यहाँ पे ओपन हुए? अभी हम लोग यहाँ पे 2 महीना हुआ है, 2 महीने हुए ओपन हुए हैं जी। तो जैसा कि गाइस आपने देखा कि इटौन बिरयानी के ओनर नफीस भैया हमारे साथ हैं, ये भैया हमारे व्यूअर्स एक बार जरूर बोल दीजिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, आप इनके वीडियो को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और सबको दिखाते रहिए, सबको दिखाते रहिए इटौन बिरयानी, खाते रहिए मज़ा लेते रहिए, मज़ा लेते रहिए। तो आइए और भी चीज़ें आपको दिखाना बाकी है, वीडियो में बने रहिए। जिसकी दुनिया है दीवानी उसका नाम है इटौन बिरयानी, देखा आपने कितना तगड़ा, इस बात पे लाइक बनता है लाइक जरूर करिएगा। तो यहाँ मुझसे रहा नहीं जा रहा, छोटे तुझसे रहा जा रहा है नहीं बड़े, अब चलिए टेस्ट करते हैं सबको ख़त्म करते हैं। और मैं बता दूंगा इस मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और इटौन बिरयानी पे आके बिरयानी को टेस्ट करना और बिरयानी के मज़े लेना। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद वंदे मातरम। तो आपसे आप पूछेंगे इस बिरयानी को आपको कैसा लगा, ठीक है? तो क्या बताना, बस इधर परफेक्ट होगा, इसके टेस्ट के बारे में बताना है बस, ठीक है? तो आइए यहाँ पे भैया और मैम यहाँ कबाब पराठा टेस्ट कर रहे थे, इनसे पूछते हैं यहाँ का टेस्ट उनको कैसा लगता है। ये बताइए सर आपको यहाँ का टेस्ट कैसा लगता है?
मैं एक्चुअली 2014 से आता हूँ। 2014 से आ रहे हैं आप? जब भी आता हूँ तो हम तो ये सर्च करते हैं कहाँ है। पहले तो आपका यहाँ पे था, यहाँ पे पुराना जहाँ पे था, पुराना जहाँ पे मतलब सिविल लाइन में था। पुराने सिविल लाइन से फिर यहाँ पे जब आया, अच्छा, तो मेरे ख्याल से पहला कस्टमर मैं ही था यार। आप पहले कस्टमर थे। नफीस भैया ने जैसे बताया कि ये हमारे सबसे पुराने कस्टमर है, आप इनसे जाके जरूर रिव्यू लीजिए कि इनको कैसा लगता है टेस्ट। क्योंकि इटावा बिरयानी का टेस्ट कहीं और हमें नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता, चाहे मैं महाराष्ट्र में गया हूँ, गुजरात गया हूँ, या मध्य प्रदेश गया हूँ, या दूसरे स्टेट गया हूँ, इसके साथ टेस्ट मुझे कहीं और नहीं मिला। मतलब आपको कहीं ऐसा टेस्ट मिला ही नहीं जो इटावा बिरयानी में है। ये बताइए आपको यहाँ पर बिरयानी ज़्यादा अच्छा लगता है कि कबाब पराठा? कबाब पराठा दोनों अच्छे लगते हैं, दोनों अच्छा लगता है। आइए मैम से पूछते हैं, मैम कह रही हैं कि यहाँ पे दोनों अच्छा लगता है, तो ये बताइए मैम, अभी तो आप कबाब पराठा यहाँ पे टेस्ट कर रही हैं, तो आपको ज़्यादा कबाब पराठा अच्छा लगता है कि बिरयानी? दोनों अच्छा लगता है, दोनों अच्छा लगता है, हमारे लिए फेवरेट है। फेवरेट है आपको बिरयानी? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुराने कस्टमर आते हैं और यहाँ पे बिरयानी टेस्ट कर रहे हैं, जो कि सर्च करके आते हैं, सर्च करके आ रहे हैं आप। पिछले बार भी आए थे, हम भूल गए थे वहाँ पे। अच्छा, मतलब इसके चार, मतलब हमारा यहाँ पे 4 टाइम है। अच्छा, पहले आया तो किसी ने बताया था यहाँ पे, हम गली से भटक गए थे। अच्छा, गली से भटक गए थे। दूसरी बार अभी मैप लगा के यहाँ पे आए। मतलब आपको यहाँ का टेस्ट अच्छा लगता है, ऐसा टेस्ट आपको कहीं मिला नहीं? कहीं मिला। अच्छा, आपको भी कहीं ऐसा टेस्ट नहीं मिला? एक्चुअली आप हर जगह की बिरयानी टेस्ट करके देखिए। हाँ, इटावा की बिरयानी टेस्ट के साथ साथ इनका रखरखाव और साफ सफाई, साफ सफाई बहुत, और काफ़ी हाइजीनिक तरीके से बनाते भी। बिल्कुल। तो जैसा गाइस आपने देखा, काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे यहाँ पे लोग तारीफ करते हैं यहाँ के टेस्टी चीज़ों के लिए। मैं बता दूँ, यहाँ पे बिरयानी और कबाब पराठा सिर्फ दो ही चीज़ मिलता है, लेकिन दोनों चीज़ उमदा है। तो